हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल, यानी बहुत छोटे पार्टिकल को देख सकते हैं। या वी कैन सी टिनी ऑब्जेक्ट्स, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, माइन्यूट पार्टिकल को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आगे बात करते हैं, इट हैज टू कॉन्वेक्स लेंस, इसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, वन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज नोन एज आई लेंस। एक जो होता है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा वाला आई लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, स्लाइटली यानी कि एक पार से ये स्मॉलर होता है विच कंपेरिजन टू आई लेंस। यानी एक बार से हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ या अपर्चर या डायमीटर जो होता है वो आई लेंस का ज्यादा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कम होता है आई लेंस की तुलना में, यानी कंपैरिजन में। तो इस तरीके से यानी कि ये ए बी ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड होती है एट द प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड द एफ ओ, यानी कि एफ ओ फोकस के पीछे यानी बियॉन्ड होती है। देन इमेज इज फॉर्म ए डैश बी डैश, इसका इमेज जो है वो ए डैश बी डैश होता है, ये जस्ट बिफोर द एफ ई डैश, यानी इसके जो फोकस के यानी जो आई लेंस का जो फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में, यानी कि यहाँ पर इसका इमेज ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इट इज वर्किंग एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, यानी यहाँ पर जो है वो ए डैश बी डैश जो इमेज होगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, वो यहाँ पर वर्क करेगा ऑब्जेक्ट का फॉर द आई लेंस। आई लेंस के लिए बात कर बनेगा, तो इसका जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो ए डबल डैश बी डबल डैश होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज होगा। इट इज फाइन मैग्निफाइड, यानी अच्छा मैग्निफाइड होता है, क्योंकि ए डैश बी डैश यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है वो मैग्निफाइड इमेज है बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर इसका डबल यानी मैग्निफाइड हो गया, एक बार और मैग्निफाइड कर दिया, वो आई लेंस में मैग्निफाइड कर दिया। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका यानी कि मैग्निफाइड इमेज रहा ए डैश बी डैश, जो कि आई लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और फिर इससे ए डैश बी डैश का इमेज मैग्निफाइड और हो गया जो ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया। इस तरीके से इसके अंदर दो लेंस का यूज करने की वजह से यानी कि यहाँ पर इमेज जो है वो मैग्निफाइड अच्छा मैग्निफाइड मिल जाता है, और यानी जिसकी वजह से यानी कि इमेज जो है वो आसानी से देखी जाती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक ही यानी कि कॉन्वेक्स लेंस था जिससे मैग्निफाइड फिगर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे डबल मैग्निफाइड फिगर एक बार से मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देखें यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ, एम इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, टेन बीटा ओवर एन अल्फा, एंगल स्मॉल है तो यहाँ पर बात कर सकते हैं डेट एंगल इज बीटा, यहाँ पर जो एंगल है ये बीटा बन रहा है, डेट मीन्स यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, एंड यहाँ पर जो है ये वाला जो है फाइनल वो है यहाँ पर एक बार से, तो फाइनल यहाँ पर जो है इसके लिए भी उतना ही है, उसके लिए भी उतना ही है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ पर बीटा हो गया, तो ए डबल डैश बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश, और साथ में यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा रहा यहाँ पर बेस, एटीट्यूड बेस, तो एटीट्यूड बेस हो गया, और साथ में यानी कि अगर हमने इसको यहाँ पे डॉटेड 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 आगे बढ़ा दिया तो ये इसके इक्वल हो गया, यहाँ पर एंगल अल्फा बन गया, तो यहाँ सी बी डैश इज इक्वल टू बी डबल डैश सी टू हो गया। इस तरीके से ये कैंसिल हो गए, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन यहाँ पर ए बी मिल गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बोथ साइड यानी कि यहाँ पर ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके इसके नीचे लिख लिया, इसको इसके नीचे लिख लिया, ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश यानी ये इमेज का है और यहाँ पर ये किसका है ऑब्जेक्ट यानी कि वाला है, और यहाँ पर इसी तरीके से ए डैश बी डैश फॉर इमेज एंड दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट, यानी एक बार से ये इसका बी है, यहाँ पर ये यू है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर यू है, तो डेट इज यानी कि मैग्निफिकेशन एम ई हो गया और यहाँ पर एम हो गया, तो कैपिटल एम यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पर हो गया एम ई इंटू एम ओ, यानी इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे चैनल पी के एस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट टॉपिक।